स्वजा श्री प्रशांत जैन कनाडा से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या कर्म का उदय उदय से होता है, कृपा कर समाधान करें। आपका प्रश्न भी गलत है। आपको ये प्रश्न करना चाहिए, जो कर्म हमारे पास आ रहे हैं वो कौन से भाव से आ रहे हैं? औदिक भाव से। औदिक भाव हम करते हैं तो कर्म का बंध बनता है, फिर कर्म का उदय आता है। और कर्म का उदय जब भी आता है तो बाह्य कोई ना कोई निमित्त जरूर होता है। तो इस प्रकार से द्रव्य कर्म का उदय और भाव कर्म के परिणाम होते हैं, फिर भाव कर्म के परिणाम से कर्म बनता है, फिर कर्म उदय में आता है। नमोस्तुचर श्री कमल जैन सीसी कॉलोनी इंदौर से अपनी शंका रख रहे हैं। मैं आपके आशीर्वाद से 10 दिन में कोरोना को हराकर घर वापस आ गया हूँ और मेरे सारे व्रत नियम टूट चुके हैं, क्या इसमें मुझे कोई दोष लगेगा, कृपा कर समाधान करें। देखिए, आपको कोरोना हुआ और आप आ गए, ये हमारा आशीर्वाद नहीं, ये आपका शातावेदनी कर्म का उदय, पुण्य का उदय, जिसके कारण आपको डॉक्टर मिलना, दवाई मिलना और ठीक हो जाना। लेकिन कहीं ना कहीं पाप कर्म का भी उदय रहा कि आपके व्रत नियम आदि का टूटना, भंग हो जाना। तो चलिए, कर्म का उदय आया। अब आप दृढ़ता के साथ कुछ समय बाद प्रायश्चित आदि लेकर के अपने व्रतों को, नियमों का पुनः पालन करें, प्रायश्चित करके फिर पापों का प्रत्याख्यान करें, अपराधों का प्रत्याख्यान करें, प्रतिक्रमण करें, आलोचना करें और आत्मा को शुद्ध करके व्रत नियमों का अच्छी तरह से पालन करें, जिससे जो दोष लगे हैं वो दोष दूर हों, कर्मों की निजरा हो और आपको व्रत नियमों का फल जो स्वर्ग और मोक्ष मिले वह आपको प्राप्त हो। नमोस्तु चर श्री सुषमा अनिल जैन कर्नाटक से अपनी शंका रख रहे हैं। हमारे घर में कलिकुंड यंत्र है, इसका हम प्रतिदिन जल अभिषेक करते हैं, क्या हमें यह घर पर रखना चाहिए और अभिषेक करना चाहिए, कृपा कर समाधान करें। घर के चैत्यालय में यंत्र आदि रखे जा सकते हैं और उनका आप प्रतिदिन प्रक्षाल करें, अभिषेक करें, मंत्र आदि के द्वारा शांति धारा आदि करें और ये आप उसे कंदोदक आदि करके उसको मस्तक आदि में लगाएं, आपको सुख शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से आप घर में यंत्र रख सकते हैं, कहीं कोई बाधा नहीं है घर के चैत्यालय में। नमोस्तुचर श्री संगीता बड़जात्या पुणे महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। हम पाठशाला के समय प्रतिदिन समय नोट्स बनाते हैं, तो क्या हम सूतक पातक के समय भी नोट्स बना सकते हैं, क्या कृपा कर समाधान करें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पाठशाला सुन रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं, और सुनने के साथ साथ यदि हम लिखते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारी मेमोरी में याद रहता है और वो हमारे लिए चिंतन के लिए काम आता है। कंठ की जो विद्या है वो हमेशा हमारे लिए समाधि मरण आदि में काम आती है। तो आप सब लोग भी इसको लिखा जरूर करो। अब रही बात सूतक पातक में, आप डायरी में नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई शास्त्र आदि को छूना तो नहीं है, लेकिन आपको एक उपदेश मिल रहा है तो उस उपदेश को आप शांतिपूर्वक अपनी डायरी में उसे नोट कर सकते हैं, जिसमें कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। नमोस्तुचर श्री शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि सब बन जाएगा, फिर कुछ नहीं बनता, ऐसा क्यों, कृपा कर समाधान करें। जब आप सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है, उस समय आप बहुत लगन से सुनते हैं और आपको उस समय समझ में भी आता है और आपको कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन जब एक्सप्लेन करना होता है या कोई कुछ पूछता है उसको आप बताना चाहते हैं तो आप बता नहीं पाते हैं और आपको लगता है हम भूल गए। भूलते नहीं हैं, ये कला होती है, किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती है। किसी को आता है ज्ञान पर उसको वो बताने की कला उसके पास नहीं हो पाती है, और किसी के पास बताने की भी कला होती है, याद भी है और बता भी सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो आप जो सुनते हैं उसे आप नोट करें, जितनी बार आप नोट करेंगे वो आपकी मेमोरी में रहेगा
तो इसलिए नोट करने से वो आपके अंदर बताने की भी कला, क्योंकि जब हम नोट करते हैं तो हमारा चिंतन भी चलता है, हमारी शैली, हमारे शब्द और चिंतन चलता है, तो उसके माध्यम से फिर आप किसी को समझा भी सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को जितना भी आप सुनते हैं उसे आप नोट जरूर करा करो। नमस्ते चाचरी, क्षमा भाई जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। इस कोरोना काल में मैं पुत्र के साथ वाहन से देव दर्शन कराती हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं देता है और अष्टद्रव्य से पूजन घर में कर लेती हूँ, क्या बिना स्थापना के पूजन करना उचित है? कृपया कर समाधान करें। आपका पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली और माँ आप भी भाग्यशाली कि आपका बेटा जो है आपको मंदिर के दर्शन ऐसे कोरोना जैसे महाकाल में भी करा रहा है, तो निश्चित ही आप पुण्यशाली जीव हैं। अब मंदिर में बैठकर के पूजा नहीं कर पा रहे हैं, घर में पूजा कर रहे हैं, तो आप और भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि मंदिर में नहीं हो रही तो कम से कम घर में तो कर रहे हैं ना। तो अब आप कह रहे हैं हम स्थापना नहीं कर पाते हैं, आपने अष्टक से पूजा की है, आवाहन नहीं किया, आपको लगा कि हम कैसे अपने घर में बुलाएं, कैसे भगवान को अशुद्ध अवस्था में लाएं, अशुद्ध स्थान पर लाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपने अष्टक से, अष्टद्रव्य से, जल आदि चंदन से भगवान की पूजा की, स्वयं भगवान बनने के लिए, आत्म आराधना करने के लिए, भगवान जैसे होने के लिए, तो ये भी कहीं इसमें कोई अनुचित नहीं लगता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम पूजा आदि की जो पद्धति है, पहले अभिषेक हो, अभिषेक देखा जाए, किया जाए, इसके बाद फिर भगवान का आवाहन अपने पास बुलाया जाए, फिर द्रव आदि से पूजा, ऐसी विधियाँ हैं, लेकिन आप बिल्कुल विधि में फंस करके अपने परिणामों को खराब नहीं करने का। यदि आपके जितने परिणाम भी होते हैं भगवान का लगाव जिससे एक अर्घ से भी हो रहा हो तो वो एक अर्घ से भी जुड़ जाना, एक पूरी पूजा ना हो करके उदक चंदन मात्र से जुड़ रहा हो भाव तो उससे भी जुड़ जाना, जैसे हम स्त्रोत पढ़ते हैं, एक काव्य से भी मन लग रहा हो और इससे जुड़ना है तो जुड़ जाना, नमोकार मंत्र में एक पद से जुड़ना है तो जुड़ जाना, नहीं हमने ऊपर का पद नहीं बोला, बात का पद नहीं बोला तो कहीं दोष तो नहीं आ गया, क्या दोष आ गया, भावों में तो दोष नहीं है ना, बस इतना ज़रूर ध्यान रखना, तो किसी प्रकार का ऐसा दोष नहीं है और ना ही कोई हमें कोई दोष देने वाला भी है।